ओम जी सभी को प्रणाम। आज आए जानेंगे यदि बच्चों को निमोनिया हो गया है हम कैसे ठीक करें, चमत्कारी घरेलू नुस्खे क्या है। निमोनिया अर्थात फुफ्फुसोत फुफ्फुस प्रदाह अर्थात खांसी, सीने का दर्द, बुखार और सांस लेने में कठिनाई यदि होती है कैसे ठीक करें। 3 छुहारे लहसुन की 2 गांठ साबुत हल्दी को चूर्ण कर लें अर्थात पिसी हुई हल्दी 1 चम्मच, 1/2 किलो दूध में मिलाकर अच्छी तरह उबालें। उबालने के बाद ठंडा करें। पीने जैसा गर्म रहने पर छुहारे खा जाएं, चबा के अच्छी तरह तथा ऊपर से यह दूध पी लें और ओढ़कर सो जाएं। लेकिन पूर्ण सावधानी रखें कि बदन को हवा नहीं लगे। बच्चों को इसकी आधी मात्रा दे दें। इसे 2-3 दिन लेने से निमोनिया पूर्ण ठीक हो जाता है। अथवा यदि किसी बच्चे की असली चले तो 2 पिपली अर्थात यह पिपली है, इन्हें अंगारे पर भून लें, तत्पश्चात बारीक पीस लें तथा 1 चम्मच शुद्ध शहद में मिलाकर बच्चों को 3 बार खिलाएं। इससे पसली चलना बंद हो जाती है। अथवा हींग बाजरे के 1 दाने बराबर ले लें, गर्म पानी में घोलकर पिलाएं तथा चने के बराबर हींग को 6 कली लहसुन पीसकर सरसों का तेल में गर्म करके सीने पर लगाएं। परंतु ध्यान दें, मात्रा ये बड़ों के लिए है। बच्चों के लिए यदि 1 साल तक है तो 1/4 दें, 2 से 4 साल तक है तो 1/3 दें, 4 से 12 साल तक है तो 1/2 प्रयोग करें व उससे थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करें, किसी एक प्रयोग करें। अथवा आप नीम के पत्तियों का रस हल्का से गर्म करके सीने पर मालिश करें। अथवा निमोनिया का कीटाणु आज्ञाकारी होता है, चिकित्सक निमोनिया के रोगी के सीने पर हाथ रखकर 3 बार कहें, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। ऐसा कहने से निमोनिया ठीक भी हो जाता है। यदि औषधीय चिकित्सा हो रही हो या करनी हो तो औषधि के साथ चले जाओ 3 बार भी कहते रहें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। सभी को ओम नमस्कार प्रणाम।